चलो दोस्तों, आइए इस सेशन में हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्स्टक का जो ये 360 डिग्री जो चार्ट वाला चार्ट है, ये कैसा चार्ट है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यहाँ पे जो है अपडेट है, क्या है इस एडवांस चार्टिंग के बारे में, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सेशन को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम डेली एफएनडो डेटा के एनालिसिस जो शेयर करते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल होता है ट्रेडर के लिए, जिसमें हम जानते हैं कि एफआई प्रो क्लाइंट हमारे किस साइड से पोजीशन बना के चल रहे हैं, साथ में इंडेक्स वाइज अलग अलग एनालिसिस भी पोस्ट होती है और ड्यूरिंग मार्केट आवर भी लाइव सेशन हम लोग प्लान करते हैं आपकी लाइव हेल्प के लिए। सब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको यहाँ पे काम करना होगा वो ये है दोस्तों कि आपको अपने प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, बिकॉज ये ओल्ड वाले एप्लीकेशन में फीचर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये शो आपको जरूर करेगा लेकिन आपको सही से वर्क करता हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए आपको सबसे पहले इसको जाके अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे ही आपका प्ले स्टोर से अपडेट हो जाए, देन आफ्टर आप अपने एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे 360 जो है लिख के आ रहा है, उसको जैसे ही आप टच करेंगे आप इसके इंटरफेस में इंटर कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट साइड में इंडिसेस आ रहे हैं, यानी कि जिस इंडेक्स का आपको जो है ऑप्शन ट्रेड करना हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो ये सारे इंडिसेस दिखाई देंगे। अभी उसमें से सपोज कीजिए मुझे निफ्टी को जो है ट्रेड करना है, तो मैंने उसमें से निफ्टी को सेलेक्ट कर लिया। टॉप लेफ्ट साइड में सारे आपके इंडिसेस आते हैं, जैसे निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, फाइनेंस निफ्टी हुआ, मिड कैप निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, बैंक एक्स हुआ। इसमें से जो भी आपको इंडिसेस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट उसके बगल में एक्सपायरी की डेट है, जिस एक्सपायरी को सेलेक्ट करना हो या जिसमें ट्रेड करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बगल में टाइम फ्रेम है, यानी कि जो भी आपका स्पॉट का चार्ट है जिस टाइम फ्रेम में सामने रखना चाहते हो वो आपका टाइम फ्रेम वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बगल में एक पेंसिल है दोस्तों, पेंसिल पे जैसे क्लिक करोगे तो जितने भी चार्ट के ड्राइंग के टूल हैं वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे। अभी सपोज कीजिए कि मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है, तो जस्ट मैंने ट्रेंड लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पिक किया और जहां भी मैंने प्लॉट करनी है वहां पे जस्ट टच कर दिया, लाइन मेरी इस तरीके से प्लॉट हो गई। अभी अगर आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर लगाना है वो आप यहाँ पे जस्ट सर्च करके और यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे सपोज कीजिए कि VWAP लगाना है, तो VWAP को मैंने सेलेक्ट किया, प्लॉट कर दिया। अब VWAP इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे वर्क नहीं करता है। तो अभी सपोज हमने चेक करने के लिए हमने फिर से जो है यहाँ पे पाइवोट के टूल को जो है लगा देते हैं। तो जस्ट सेम प्रोसेस, वहाँ पे टाइप कीजिए एंड सर्च कीजिए पाइवोट, पाइवोट सर्च करके उसको सेलेक्ट कर दीजिए, वो आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। अभी अगर इसको डिलीट करना है तो जस्ट यहाँ पे सर्च में टाइप कीजिए, वो आपका सारा जो भी इंडिकेटर आपने प्लॉट किया दिखाई देगा, डिलीट क्लिक कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। नया जैसे ही कोई यहाँ पे प्लेस करना हो तो उसी तरीके से वहाँ पे सर्च कीजिए एंड देन आफ्टर वो जो भी टूल है, जो भी इंडिकेटर है, जैसे पाइवोट मुझे प्लॉट करना है, पाइवोट सर्च किया, टच किया, देखिए चार्ट पे प्लॉट हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों कि लाइव इसमें कैसे जो है आप इसमें ट्रेड या स्कैल्पिंग जो कर पाएंगे। तो उसके पहले एक और इसका फीचर है, अभी जो भी आपको जो है स्ट्राइक सेलेक्ट करना हो बाई सेल के लिए, आपको जस्ट राइट साइड में उस स्ट्राइक के आसपास जो है टच कर देना है। जैसे ही आप टच करोगे तो जो भी नियर की स्ट्राइक होगी वो चार्ट पे ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि 24450, 400, 24350, ये तीन स्ट्राइक, CP, सारी चीज़ें एक साथ जो है प्लॉट है, क्योंकि यहाँ पे हमने तीन बार जो है टच ऑलरेडी जो है कर दिया था, सो ये ऑटोमेटिकली प्लॉटेड है। अभी जो भी आपको यहाँ पे प्लॉट करना है, सपोज कीजिए कि आपको 24300 का जो है स्ट्राइक प्लॉट करना है, तो जस्ट नियर 320, 300, 310 टच करोगे तो 300 का जो स्ट्राइक है वो चार्ट पे जो है ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा और एक साथ CNP दोनों लगेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों कि आप मॉनिटर कर सकते हो कि किसकी प्राइस गेन कर रही है। सो उससे आपको एक व्यू लेने में हेल्प होता है कि किसकी प्राइस अप जा रही है, यानी कि हमारा जो यहाँ से व्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये जो ऑब्स्टॉक का जो एडवांस चार्ट है ये आपको इस तरीके से हेल्प करता हुआ नजर आएगा दोनों प्राइस को एक स्क्रीन पे मॉनिटर करने में, क्योंकि मोबाइल से काफी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट इस एडवांस चार्ट से जो कि 360 वाला है इससे काफी जो है हेल्प मिलेगा। अभी जैसे ही मैंने 24300 के पास टच किया, देखिए थ्रू 24300 का जो स्ट्राइक है, CP दोनों जो है यहाँ पे प्लॉट हो गया। अभी मैं आप लोगों को लाइव जो है डेमो एक दिखाता हूँ। अभी सपोज कीजिए कि आपको 24350 का सी बाई करना है, तो जस्ट वहाँ पे टच कर दीजिए। अभी सपोज कीजिए कि 24350 का पी आपको बाई करना है, तो जस्ट पी पर टच कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड आ गया,
ट्रेड यानी कि बाई एंड सेल। तो अभी आप बायर हैं, बाई पे क्लिक करना है तो जस्ट अपसाइड में क्लिक करेंगे, नीचे एक विंडो आ जाएगी, इसकी पॉपअप वैसे खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप राइट साइड स्वाइप कर देंगे तो ये बाई हो जाएगा। उसके पहले अगर आपको क्वांटिटी चेंज करनी है तो यहाँ से प्लस माइनस करके क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे बाई करना है तो सेम आप बटन दबा सकते हो। अगर आपको लिमिट डाल के बाई करनी है तो इस मार्केट पे क्लिक करो, ये आपके ऑप्शन सामने खुल जाएंगे। आप इसको सिंपली ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे ले जाके, जहाँ भी आपको बाई करना हो वहाँ पे सेट कर सकते हो, साथ में टारगेट सेट कर सकते हो ड्रैग करके, साथ में आप स्टॉप लॉस भी अपना सेट कर सकते हो। देन आफ्टर बाई बटन पे प्रेस कर दोगे तो ये आपका जो ऑर्डर है वो पंच हो जाएगा। तो अभी डेमो के लिए हम लोग इसको सामने से जो है बाई करेंगे, इस तरीके से देखने के लिए कि कैसे ये बाई हो जाता है। तो हमारे सामने जो है चार्ट पे शो होता है और कैसे हम एग्जैक्टली इसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट भी आपको दिखा रहा होगा नीचे के, कितना आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है। देन आफ्टर ये जैसे ही बाई प्राइस जो है यहाँ पे दिखा रही है 110, और हमने जो है इसके प्राइस को जो है मूव करना शुरू किया तो ये सारी प्राइजें जो है चेंज हो रही है। अभी सपोज कीजिए कि मुझे इसमें लिमिट ऑर्डर डालना है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, देखिए यहाँ पे ऑर्डर जो है ओपन हो चुका है, तो ये लिमिट ऑर्डर एक लग चुका है, यानी कि उस प्राइस पे हमारा आएगा तो सिंपली बाई हो जाएगा। तो ये एक हमारा लिमिट ऑर्डर का जो है डेमो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम इसको जो है एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी हम एक मार्केट ऑर्डर पे जो है सी बाई करके डेमो लेते हैं, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, देन आफ्टर हम उसको चेक करते हैं। तो ये ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया। अभी हम इसको 24,350 के सी को जो है बाई करते हैं, तो सिंपली उस पर टच किया हमने, ऐसे क्लिक किया अपसाइड में बाई, देखिए नीचे बाई का ऑप्शन आ गया। अभी अगर हमें सामने से बाई करना है तो सिंपली बाई को स्वाइप कर देंगे। अगर हमें इसको लिमिट पे बाई करना है तो हम इसको पकड़ के ऊपर नीचे ड्रैग कर देंगे, जहाँ भी बाई करना होगा उस रेट पे ले जाके फिक्स करके बाई बटन दबा देंगे तो लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। अभी अगर मुझे सामने से बाई करना है तो सामने ले जाके और जस्ट क्लिक कर देंगे और बाई हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी भी आप चेंज कर सकते हो प्लस माइनस से, जो भी आपकी डिजायर क्वांटिटी है। अभी देखिए मुझे यहाँ पे यह है कि मुझे 24,350 का जो है सी एक बाई करना है, तो मैंने जस्ट सी पे टच किया, ये बाई आपके सामने आ गया, बटन को जो है ऊपर प्रेस किया, एंड देन आफ्टर नीचे राइट साइड में जो स्वाइप का बटन है बाई साइड में उसको स्वाइप कर दिया और ये हमारा ऑर्डर जो है लग चुका है। अभी इसका प्रॉफिट लॉस जो है आप सामने देख सकते हो जो कि चेंज हो रहा है, और ये इस तरीके से आपका अपडेट होता रहेगा। अभी आपको इसको क्लोज करना होगा, अगर आपने ऑर्डर नहीं लगाए हैं, टारगेट के स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं, सामने से क्लोज कर सकते हो। और अगर आपको इसको स्टॉप लॉस लगाना होगा तो एडिट करके स्टॉप लॉस वगैरह भी चेंज कर सकते हो या लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ओपन पोजीशन में आप देख सकते हो कि जो भी इसके लॉसेस थे, चूँकि जैसे हमने बाई किया वहाँ से प्राइस नीचे आई है, डेमो ट्रेड है ये, तो इसके देखिए ओपन पीएनएल में 55-65 के अपने लॉसेस आ रहे हैं। तो अभी जस्ट 324 हो रहा है, चूँकि मार्केट क्लोजिंग के समय हमने ये डेमो जो है शूट किया, तो 329 तक वेट करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम उसको सिंपली क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एग्जिट ऑल पे क्लिक कर देना है तो आपका एग्जिट हो जाएगा। जो आपका ओपन ऑर्डर है उसको क्लिक करना है, अगर आपको एग्जिट करने के लिए तो क्लिक ऑल पे, जस्ट एग्जिट ऑल पे क्लिक कीजिए और सारा जो है आपका पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। अब इन बिटवीन दोस्तों दो चीजें बता देते हैं कि ये जो फीचर है 360 वाला, ये आपका अपस्टॉक के नए जो एप्लीकेशन है उसी में वो करेगा। अपस्टॉक जो है बेसिकली दो एप्लीकेशन देता है, स्टैंड बाई के लिए ओल्ड वाला, एक न्यू वाला। न्यू वाला बेसिकली है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, स्पेशली उन्होंने ऑप्शन के लिए लॉन्च किया था। इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, GTT ऑर्डर वगैरह अगर आप नहीं यूज करते हैं तो जरूर आप ओपन कर सकते हैं, नीचे लिंक है। अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं, आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों 329 हो चुका है, अब एक मिनट बचे हैं तो हम यहाँ पे इसको क्वेरी नहीं करना है, क्योंकि कोई हमारी एनालिसिस है नहीं, जस्ट फॉर डेमो पर्पज इसको शूट किया था। तो सिंपली हम एग्जिट ऑल पे क्लिक करके और जो भी इसका M2M है उसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका जो यूज है कर सकते हो, इसका जो फीचर है काफी अच्छा है स्कैल्पिंग के लिए, बेसिकली मॉनिटर करने के लिए मार्केट को कि कैसे मॉनिटर चल रहा है, सी साइड कितना गेन है, पी साइड कितना गेन है, इसके लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो आप अगर मार्केट को मॉनिटर करना चाहते हो, डाउट है कि सी जाएगी ऊपर की पी जाएगी, कौन सा गेन हो रहा है, तो सिंपली आप इस फीचर का जो है यूज कर सकते हो, काफी हेल्पफुल है। 360 पे क्लिक करना है, आप उस इंडेक्स में आ जाओगे, जिस स्ट्राइक को जैसे ATM के स्ट्राइक को चेक करना है, नॉर्मली हमें ATM से ज्यादा आइडिया मिल जाता है, तो ATM के प्राइस के पास जाकर टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे तो CEP दोनों जो स्ट्राइक है वो यहाँ पे चार्ट पे सामने आ जाएगा। अब दोनों के प्राइस मोमेंट को, प्राइस बिहेवियर को आप सामने से देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे व्यू चल रहा है, किस हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये जो अपस्टॉक का जो बिगेस्ट जो चार्ट अपडेट का जो फीचर है आपको जो है समझ में आया होगा। वीडियो से अगर हेल्प हुई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।